हेलो नमस्ते प्रणाम सलाम, आपके अपने यूट्यूब चैनल और टेकीजी पर सभी का स्वागत है। दरभंगा एयरपोर्ट से जुड़ी एक बड़ी और लेटेस्ट खबर लेकर हम हाजिर हैं। दोस्तों, इस साल भी मिथिला वासियों को दरभंगा एयरपोर्ट से नाइट लैंडिंग की सुविधा नहीं मिलेगी। इतना ही, अगर आप दरभंगा में नया टर्मिनल बनने की बात जो रहे हैं तो उसके लिए भी आपको एक साल का इंतजार करना पड़ेगा। ये हम नहीं कह रहे बल्कि संसद के मानसून सत्र में खुद सरकार ने ये बताया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा है कि बिहार के दरभंगा हवाई अड्डे पर सिविल इनक्लेव का निर्माण अगले साल जुलाई में शुरू होगा, जबकि राज्य सरकार ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए 76.40 एकड़ जमीन भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण AAI को हस्तांतरित कर दी है। इस साल फरवरी में दो किस्तों में 342 करोड़ रुपए की लागत से लैंड ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी की गई है। वर्तमान में दरभंगा हवाई अड्डे पर एक अस्थायी सिविल इनक्लेव से हवाई सेवाएं दी जा रही है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जनरल VK सिंह ने दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर के एक सवाल के जवाब में लोकसभा को बताया कि आवंटित भूमि का रणनीतिक रूप से अलग अलग कामों के लिए उपयोग किया जाएगा। VK सिंह ने कहा कि 23.75 एकड़ जमीन पर कैट लाइटिंग लगाई जाएगी, जिसकी देखरेख भारतीय वायुसेना करेगी। वहीं इसके अतिरिक्त सिविल इनक्लेव के निर्माण के लिए 52.65 एकड़ जमीन का उपयोग किया जाएगा। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के अनुसार नव निर्मित सिविल इनक्लेव में यात्री टर्मिनल, चेक इन काउंटर, बैगेज हैंडलिंग सुविधाएं, सुरक्षा चौकियां और अन्य आवश्यक सुविधाएं होंगी, जो यात्रियों के लिए एक सहज और सुविधाजनक यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई है। केंद्रीय मंत्री ने परियोजना की समय सीमा और पूरा होने से पहले उठाए जाने वाले महत्वपूर्ण कदमों के बारे में भी जानकारी दी है। मंत्री VK सिंह ने कहा, इंजीनियरिंग सलाहकार नियुक्त करने के लिए निविदा प्रक्रिया, डिजाइन और ड्राइंग तैयार करने और सार्वजनिक निवेश बोर्ड से अनुमोदन प्राप्त करने सहित कई प्रारंभिक कार्यों को भी किया जाना बाकी है। मंत्री ने कहा है कि एक बार ये प्रारंभिक चरण पूरे हो जाने के बाद हवाई अड्डे के भौतिक निर्माण को शुरू करने के लिए चयनित ठेकेदार को काम दे दिया जाएगा। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि दरभंगा हवाई अड्डा के पूरा होने की अनुमानित तारीख सितंबर 2026 निर्धारित है, जिसमें अलग अलग कारणों से कुछ देरी भी हो सकती है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे कुछ और नए वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए और टेकीजी। जय हिंद, जय भारत।